परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। मैं इसके अंदर बीज स्थापना करता हूँ जिससे सबकी उत्पत्ति होती है, और प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव जी ये सभी जीवात्मा को कर्मानुसार बांधे रखते हैं। और परमात्मा ने क्या बताया कि नहीं, ये तीन नहीं, ये पांचों मिल का बांध रहे आपको, और हम इन पांचों मिल जीव अटकाए युगों युग हम आन छुटाए। अब देखो उसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, ओए होए तीनों देवताओं की को जन्म देने वाली इनकी माता नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रगट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं, होगी ना स्पष्ट, 8 भुजाएं हैं, ये देखिएगा 8 भुजाएं, ये है वो दुर्गा। इसमें तो गणी ला रखी इनके घर की बाह है कितनी ला दो ये, लेकिन है इसकी 8 ही हैं। ये नकक तो पता नहीं था, किसी 20 मुंह ला दें, किसी 50 ला दें, ये अष्टंगी है, सभी जानते इस बात को, 8 भुजाएं। अब देखिएगा वो शक्ति की 8 भुजाएं हैं, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं, वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उनको उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। ये देखिए यहाँ आगे अब हम 101 पृष्ठ पे हैं, रुद्र संहिता। अब इस काल की महिमा सुना रहा है ब्रह्मा जी, वे अपने सारे अंगों में बसम रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने, आ गया ना स्पष्ट, ये काल रूपी ब्रह्म कहो, सदा शिव कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहो, दुर्गा का पति कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है नाथ ने, ये गलत मिसप्रिंट है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया, उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। आगे देखो वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप हैं उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमान रूपणी है मुने शिव और शिवा ने यानी काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देव ऋषि ब्रह्मा जी कह रहे हैं एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, इन्होंने संतानों उत्पत्ति की सोची और फिर इन्होंने संतान उत्पत्ति क्रम किया, उससे 2 पुत्र तक यहाँ सिद्ध कर दिए ब्रह्मा और विष्णु। देखिए सृष्टि करनी चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ। अकल देखो ब्रह्मा की, अब शक्ति और शिव उस दुर्गा की के जरूरत थी अपने साथा पर के में मसला होता हो, ये मारे बकवाद भी मतलब की, अब वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ उसका नाम के धरा देखो। शिव ने कहा वत्स बेटा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब यहाँ ये 6ठा अध्याय समाप्त हुआ, अब 7वें में क्या कहा ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से जैसे विष्णु की उत्पत्ति करी दुर्गा और काल ने मिलकर तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने उस काल रूपी ब्रह्म ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। ओए होए अब पुण्यात्मो
अब यहाँ ब्रह्मा और विष्णु की तो उत्पत्ति बता दी, यहाँ विचलित हो गया ये शिव पुराण का अनुवाद करता, इसने यहाँ गोल मोड़ कर दिया। लेकिन कहते हैं चोर चुरावे तुम्बड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवन सच्चाई छनी ना, कहाँ तक छुपाएंगे। अब दिखाता हूँ आपको, कल भी दिखाया था आज फिर दिखाऊंगा, क्योंकि पुण्यात्माओं एक सिलेबस होता है एक क्लास का, बच्चे रह रहकर टीचर उनको बार बार रिवाइज कराते हैं, उसका रिपीटेशन करवाते हैं, आवृत्ति कराते हैं, जब जाकर वो बच्चे उससे परिचित होते हैं। तो दास एक टीचर है, आप विद्यार्थी हैं, सौभाग्य आपका आपके इसमें प्रवेश पा लिया, तो इसको सफल करो। हम एक रोजी रोटी के लिए और 20 वर्ष तक बच्चों को पढ़ाते हैं, जब हो सकता किसी को मिले रोटी, रोजगार ना मिले, बाकी हम फिर भी उसमें लगाए रहते हैं। और ये तो एक अनमोल वस्तु, इस भक्ति और इस कमाई का तो ये तो निष्फल जा ही नहीं सकती, तो इसलिए आप इसमें एक विशेष रुचि लो। अब देखिएगा यही शिव पुराण, इसमें है एक विद्वेश्वर संहिता, थोड़ी सी झलक दूंगा बस, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक समय ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई होगी, झगड़ा युद्ध। ब्रह्मा कह रहा था मैं तेरा बाप, विष्णु बोला मैं तेरा बाप, किसी बात पर इनका युद्ध हो गया, लंबी कहानी है। तो इस काल ने सोचा ये लड़के मर जाएंगे, इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, सफ़ेद तेजो में पिलर, बहुत लंबा चौड़ा। ये युद्ध भूल गए आपस में, उसका और छोर खोजने में लग गए, लंबी कहानी है। फिर यूँ आ गया अपने पुत्र सदाशिव का रूप धारण करके, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं अपने यथार्थ रूप में कभी किसी के सामने नहीं आऊँगा। तो इस ये किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है, या किसी को शिव रूप में, किसी को ब्रह्मा रूप में। तो वहाँ ये शिव रूप धारण करके आ गया। अब देखिए ये है विद्वेश्वर संहिता और ये है संक्षिप्त शिव पुराण 24वां पृष्ठ। यहाँ इन दोनों का झगड़ा हो रहा था, बीच में इसने ये सतम खड़ा कर दिया। अब यहाँ आ जाते हैं, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभो इस ज्योत निरंजन काल से सदाशिव से, सृष्टि आदि पांच कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल रूपी ब्रह्म बोला, मेरे कर्तों को जानना अत्यंत ज्ञान है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। आगे चलेंगे, अब हम आगे 26 पृष्ठ पे। इसने कहा कि पुत्रो, अब हो गया ना इनका बाप ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये, पुत्रो तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु ने तपस्या करके प्रसन्न हुए, मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक दो कृत प्राप्त किए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप मेरे जैसी सकल के रुद्र और महेश्वर ने, युने हैं दो अन्य उत्तम कृत सहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। ये पांचवा कौन है, ये चार तो ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र हो गए। इस महेश का एक सकल है रुद्र, और वो 11 रुद्रों का कंट्रोलर है वो रुद्र, वो अलग है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग है। तो ये पांचवा जो बोल रहा है, यू है काल दुर्गा का पति। अब हमने यहाँ से इतना ही लेना था, पहले दास ने परमात्मा के द्वारा बताई सृष्टि रचना सुनाई, और अब इन सदग्रंथों में प्रमाणित हो रही है, तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है हमको देव बता। तो इस कथा से आपको सावधान सिद्ध हो जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और इनका दादा कौन है, इनका दादा है कबीर जी, वो सत्य पुरुष जिसने इनके पिता ज्योत निरंजन को जन्म दिया, और उसी से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ इस ज्योत निरंजन काल से। तो इनका दादा कौन है, कबीर सत्य पुरुष, वो परमेश्वर है। जो आज दास सत्संग शुरू करना चाहता था, कर रहा था, उसकी तभी तक भूमिका बनी है। अब क्या हुआ, इन तीनों देवताओं का दुर्गा ने ब्याह कर दिया, अपने ही तीन रूप बनाए, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती, समुद्र में छुपा दिए अपने वचन से,
तीन लड़कियां युवा बना दी, और ये जब युवा हुए इनको कोमा से बाहर कर दिया, इन तीनों का विवाह कर दिया, इनसे फिर आगे काल की सारी सृष्टि चली। अब दास तो आज प्रसंग शुरू किया था, वही शुरू होगा मेरा तय काम जो बताना चाहूं था। अब धर्मदास जी ने पूछा, हे परमात्मा, हमने तो हम बड़े नीच और पामर प्राणी हैं, हे भगवान, हमने आपके साथ धोखा किया, आपके साथ चीटिंग करी, और फिर भी आप हमारे लिए भटक रहे हो, कैसे दया करी दाता। तब परमात्मा ने कहा कि जब यहाँ ये प्राणी इतने दुखी हो गए, हाहाकार माच गई, परमेश्वर ने कहा कि उस समय जब यहाँ हाहाकार माची, धर्मदास, मैं अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के, जिस पुत्र के रूप बना के इनको निकाला था उसी का रूप बना के मैं वहाँ खड़ा हो गया, जहाँ 100,000 मानव शरीरधारी प्राणी, स्त्री और पुरुष वहाँ भुनने जा रहे थे तपस्या, और चटक पटक जीव करे थे, उन चटक पटक कपड़े थे, बुरा हाल हो रहा था। तो वहाँ मेरे जाने से सभी जीवों की वो तपत तो खत्म होगी, वह टुकड़ी वह तपस्या ऐसे की ऐसी जल रही थी, लेकिन मेरी रजा से उनको आंच नहीं लगे थी। सभी बैठ के या तो रो रहे थे, फिर सामने देखा, मुझे देखकर कहा कि हे भगवान, हम यहाँ कौन से पाप का कर्म भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, क्योंकि सबको ये मालूम है अपने किए का कर्म भोगना पड़ता है। तो परमात्मा ने कहा, भाई, ये जो तपस्या पर दुख है ना, ये यहाँ का नहीं, ये सतलोक में तुमने गलती करी थी, वो दंड है। तब सारी सृष्टि रचना सुनाई, तो वहाँ तो सारे दुखी थे, सबको मालूम था, ना कोई बेटा साथ था, ना बेटी साथ थी, ना कोई संपत्ति साथ थी, ना कोई रिश्तेदार साथ था, अकेले भुन रहे थे, पिट रहे थे वहाँ पर। तो वहाँ सभी ने स्वीकार किया जो मालिक बता रहे थे, और कहा, हे भगवान, हमें छुटवा लो काल अन्यायी से। परमात्मा बोले, ऐसे नहीं। अब यहाँ परमात्मा ने कहा कि जोर करूँ तो मेरा वचन नसाई, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम सत सबद स्नेहा। जब तुम संसार में जाओ, मनुष्य शरीर प्राप्त हो, और मेरा कोई दास इस सच्चे ज्ञान को और सत्य नाम को सुना रहा हो, बता रहा हो, तब उसकी शरण में चले जाना, तब तुम्हारा मोक्ष होगा, ना तो नहीं हो सकता। तब उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, अब का जन्म मनुष्य का हो गया, पूर्ण संत खोजेंगे और आपकी शरण, आपकी भक्ति कराया करेंगे, और पूजा हम करेंगे नहीं। यहाँ तो ये फिर तीनों गुण इनको मित कर देते, इनको ज्ञान नहीं कहाँ थे, कौन जन्मे थे, ऐसा जुल्म कर रखे हमारे साथ। तो फिर क्या हुआ, परमात्मा ने कहा कि वहाँ वो ऋषि महर्षि भी वहीं भुन रहे थे, भुनने जा रहे थे, जो यहाँ मंडलेश्वर पाक रहे थे। तब परमात्मा ने कहा, तुम निराकार बताते हो इस काल को, ज्योत निरंजन को, अभी आएगा तुम्हें खाने के लिए, देखो वो आ गया सामने, वो साकार है, नर आकार है, ऊंचा माथा उसका दो उंगल का, और ऊंचा ऊंचा स्वर्ण भयंकर सा चेहरा से जो आ रहा सामने। परमात्मा बोला, अब तुम जाओ यहाँ से। परमात्मा ने उन सभी को वहाँ से उड़ा दिया, वो आगे अपने कर्माधार से, जहाँ पर किसी ने पशु बनना था, पक्षी बनना था, धर्मराज से लेखा करवा आगे चले गए। अब जब उस काल ने देखा सामने जोगजीत खड़ा है, जिसने मुझे निकाला था वहाँ से, इतना तो वो जान गया कि कोई परमात्मा का संदेश लेकर आया है। थोड़ा सा उसको डर भी था, कहीं यहाँ से भी निकालने ना आ गया वो, मैंने ये गलती, मैं ये इनको दुखी कर रहा हूँ। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा कि जोगजीत, तू यहाँ क्यों आया, परमात्मा का कोई वचन है तो मुझे बता, आदेश दे, और आज तुझे मैं ठीक करूँगा, तूने वहाँ से मुझे मार कर निकाला था, और आज तू मेरे लोक में कैसे आ गया। तब जोगजीत रूप में खड़े परमात्मा ने कहा कि परमात्मा का आदेश लेकर मैं आया हूँ, और आपने सभी प्राणियों का कैसी दुर्गति कर रखी है, बुरा हाल कर रखा है,
कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर हो गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी विधवा, ऐसा जुल्म। तो ये क्या कहता है कि मैं तो सत्काराज करता हूँ, जो जैसा कर्म करता अपना भोग रहा है, मैं क्या करूँ। और इसने अपना एजेंट छोड़ रखा मन आत्मा के साथ, ये सारे उल्टे काम करावे और आत्मा के सिर दर्द दे कि यू इसने कराया। तो परमात्मा ने कहा कि निरंजन अब मैं किस लिए आया हूँ ये और बता दूँ। अखा बता दे, मैं नीचे जाऊँगा और तेरी पोल पाड़ूँगा और बताऊँगा ये भगवान नहीं है, ये काल है, ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें अपने आहार के लिए रोके हुए हैं, तुमसे ही बच्चे पैदा करवाता है, ये खुद खाता है, जैसे कसाई बकरे पाला करता है, नर और मादा बकरे छोड़ देता है, वो उत्पत्ति करते हैं अपनी ममता में और विषय वासनावश होकर अर्खाता कसाई है, तो ऐसा है ये जाकर बताऊंगा। अपने आत्माओं, इस बात ने सुनकर भयंकर हो गया काल और परमात्मा कहते धर्मदास मेरे ऊपर ऐसे टूट कर पड़ा जैसे मार देगा मैंने। और अपने आत्माओं, यहां परमात्मा हमें सतर्क करते, हमें याद दिलाना चाहते, कभी भी कोई आपत्ति आवे, आपको जो मंत्र प्राप्त हो, प्रथम हो, प्रथम और द्वितीय हो, द्वितीय और तीनों मिल रहे हो तो सार नाम का सिमरण करें। ऐसी किसी प्रकार की आपदा हो एक बार जरूर सिमरण याद कर लेना। तो कहा कि मैंने सतनाम का सुमरण शुरू किया सांस उश्वास से। तो उसी समय ये काल या तो मुझे मारने के लिए झपटा था, ऐसे गर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाया करे और पड़ा पड़ा तड़फ रहा है, ऐसा डर गया कि वहां से भाग के पाताल में गिर गया। तो इसको पाताल से लिया निकाल के मैं और कहा चल ऊपर, तब ये घबरा गया, घना मेरे पैर पकड़ लिए और कहा कोई बात नहीं, आप बेशक नीचे चले जाना, लेकिन एक अर्ज है मेरी, तीन युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग में कितने जीव ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। और दूसरा ये कहा कि मेरा ज्ञान जो माने वो हमारा, आपके ज्ञान को जो माने वो आपका, बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। जब सारे वचन भरवा लिए फिर बदल गया गिरगिट की तरह, कहने लगा कि बेशक चले जाना जोग जी, चौथे युग में इन जीवों को इतना कंडम कर दूंगा ये भक्ति योग नहीं रहेंगे, इनको सब उल्टी साधना पर लगा दूंगा, देवी देवता पत्थर पहाड़ों की पूजा में इनको व्यस्त कर दूंगा, और जब तुम जाओगे तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। परमात्मा बोले आप अपना काम करियो और हम अपना करेंगे। तब क्या कहा था परमेश्वर ने कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, कालबंद छूटे नर लोई सकल सृष्टि परवानिक होई, घर घर देखो बोध विचारा सतनाम सब ठोर उचारा, 5,505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। तो परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवेगा तब हम अपना एक दास भेजेंगे। अब वहाँ काल के सामने परमात्मा ने कहा कि हम अपना दास भेजेंगे, और कबीर वाणी चैप्टर में परमात्मा ने धर्मदास जी से, जब धर्मदास जी घने चिंतित हो गए थे कि हे परमात्मा आपने सतनाम और सारनाम गुप्त रख दिया और इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, आपने मुझ कैंकर के ऊपर दया करी दास पे और 42 वंश भी पीढ़ी वक्ष दी मेरी वंश चलेगा, तो हे परमात्मा सारनाम और सतनाम बिना पार नहीं हो सकते, तो मेरे बच्चे कैसे पार होंगे, ऐसे कलेजा पकड़ के बैठ गया। परमात्मा ने सोचा भाई घना दुखी हो गया। तब परमेश्वर ने कहा कि सुन ले, काल ने क्या कहा था,
द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो लेगी, हमरे मुख में आन समोही। जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखान। अब इतना समय नहीं रहा, मैं वो सारे प्रमाण आज नहीं दिखा पाऊंगा आपको कि 12 पंथ कौन कौन से हैं। तो 12 पंथ, बर्मा पंथ, गरीबदास पंथ बताया है, लिखा कवि सागर में। तो परमात्मा ने कहा तू चिंता ना कर धर्मदास, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब, या बिचली पीढ़ी आवेगी, और बिचली पीढ़ी तक यु ज्ञान और तत्व ज्ञान और सतनाम सारनाम कति गुप्त रखना है, नहीं तो काल के दूतों का हाथ लग जाएगा, मेरा सारा मिशन खराब हो जाएगा। तो परमात्मा ने देखा कि यो बिल्कुल चिंतित हो गया घना। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास जब साची बताऊं तेरे ते, तब धर्मदास ने कहा कि भगवान आज कितना अच्छा समय है, कलयुग स्टार्ट है सन 1398 में और 1512 तक, और आज भी लोग ना मानते, और आप कह रहे हो अगर भयंकर कलयुग पैदा कर देगा, काल ऐसा जुल्म कर देगा, हाहाकार मच जाएगी, इंसान कृत घनी हो जाएंगे, तो उस समय कैसे पार होंगे? आज तो आप भी विद्वान हैं और फिर भी ना मान रहे ये लोग। तो परमात्मा ने कहा जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा और बर्मा वंश चल चुका होगा इस काल का, यानी गरीबदास पंथ तक, तो उस बर्म पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा, और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि न पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की दशनता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा, और घर घर देखो बोध विचारा और सतनाम सब ठोड़ उचारा। आप देख रहे हो आज ये ज्ञान गंगा घर घर में पहुंच गई है, ना कोई किताब खरीदनी है, इंसान देखा था कि या किताब बिकती देखी थी आपने इस गांवों के अंदर, शहरों के अंदर, कोई सब्जी बेचे, कोई प्याज बेचे, कोई तोरी और घिया बेचा, ये तो देखी थी। तो परमात्मा ने कहा था घर घर देखो बोध विचारा, मेरे इस ज्ञान की चर्चा घर घर में शुरू हो जाएगी, और सारी सृष्टि नाम लेगी, और सतनाम सबको बताया जाएगा, और परमात्मा के उस परम पद की, सतलोक की सबको जानकारी होगी, पूरा विश्व व्यापार करूँगा। तो वो समय आ गया है पुणात्माओं, और ये दास है वो परमात्मा का भेजा हुआ दास, और आप सभी पार हो जाओगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कबीर परमेश्वर जी, कबीर परमात्मा जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं पर विशेष रजा परमेश्वर की होती है वही ऐसे समागमों पर पहुंच पाते हैं, और जो बहुत ही अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं सत्संग परमात्मा ही किया करते हैं, क्योंकि सत्य भगवान ही बोल सकता है, सत्य परमात्मा ही बता सकता है। जीव सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर सकता, तो सत्य अविनाशी होता है, अटल होता है। सत्य साहिब भी अटल होता है, सत्य साहिब माने अविनाशी परमात्मा। वो अविनाशी परमात्मा कौन है? आज तक हमें इसी बात का निर्णय प्राप्त नहीं हुआ था कि कौन परमात्मा है जो अविनाशी है। जैसा हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में होने के कारण वर्तमान में हम अपने धर्म गुरुओं से सुना करते थे श्री विष्णु जी अविनाशी हैं, अजरो अमर हैं,
और जो शिव जी के उपासक होते थे, शिव जी जिनका इष्ट होता था, वे कहते थे शिव जी सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, सब देवों के देव हैं, सबकी सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले यही हैं, यही तीन रूप धारण कर लेते हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव का, ये अजर व अमर है। कोई ब्रह्मा जी को सृष्टि का कर्ता बताता था, उत्पत्ति कर्ता बताता था, और ब्रह्मा जी ही तीन रूप धारण करता है शिव और विष्णु का और ब्रह्मा का। तो ये हम सुनकर संतुष्ट हो चुके थे कि सचमुच ऐसा ही होगा, क्योंकि एक झूठ को 100 बार सुनने के बाद वो सत्य प्रतीत होने लग जाती है। और हमने तो ये लाखों बार सुन रखी थी, हमारे लिए तो फाइनल हो गया था, कोई ये कहने वाला नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। तो ये जो ज्ञान किसने दिया था, ये हमारे धर्म गुरुओं ने दिया था। तो यदि हम ये सोचें कि जीव सत्य असत्य का निर्णय कर सकता है, तो इसी उदाहरण से आप आसानी से समझ सकते हो कि जीव सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर सकता। ऋषि महर्षियों के हम ऐसे ऐसे चमत्कार भी सुना करते थे, जैसे अगस्त ऋषि ने सातों समुद्रों को एक ही चुलू में ऐसे करके और पी लिया था, सातों समुद्र खाली हो गए थे। तो हम इसको क्या समझेंगे कि अगस्त ऋषि एक बड़े महापुरुष और परमात्मा प्राप्त व्यक्ति थे, ऋषि थे। फिर हम क्या सुनते थे कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, गिरिराज को, छोटी तर्जनी उंगली पर। तो हमारे लिए फाइनल हो गया था कि जो इतने बड़े पहाड़ को उठा सकता है तो ये परमात्मा फाइनल है। तो इन बातों से परमात्मा की परिभाषा हम जो सुना करते थे हमारे लिए अंतिम हो चुकी थी। और परमात्मा के अभिधान में, सूक्ष्म वेद में और सभी इन सदग्रंथों में, पवित्र पुराणों में, पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में आज हमने क्या पढ़ा, जो हमारे सिरोधार्य सदग्रंथ थे और सत्य, बिल्कुल सत्य सदग्रंथ थे, उनमें हमने आज क्या पढ़ा। श्री देवी भागवत पुराण, देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप, इसके 123 पृष्ठ पर स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं, अपनी माता दुर्गा की वो स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा, विष्णु जी कह रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर, ये सब आप ही की कृपा से हम विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, हम नित नहीं हैं, हम अविनाशी नहीं हैं, और आप नित हैं, प्रकृति देवी हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि हे माता, जब सबसे पहले विष्णु जी और ब्रह्मा जी जब आपसे उत्पन्न हुए हैं, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ। फिर क्या कहते हैं कि हम तीनों गुण युक्त, हम केवल तीनों गुण युक्त, हम केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। इससे कितनी बात सिद्ध होगी, एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, और जो हम सुना करते थे इनके कोई माता पिता नहीं है, ये भी सिद्ध हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। पिता हम दूसरे कहीं और से आपको प्रमाणित करेंगे कि इनका पिता कौन है। शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता 4 से लेकर 6 तक स्पष्ट कर दिया है कि ये दुर्गा जो है, ये अष्टंगी
ये काल रूपी ब्रह्म जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये दुर्गा का पति है, ये काल भगवान है, काल भगवान। इसको ब्रह्म कहते हैं, वेदों में इसको ब्रह्म कहा है और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये स्वयं कहता है, गीता ज्ञान देते समय श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञान दे रहा है यही कि मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है। तो ये ब्रह्म है, इसको दूसरे शब्दों में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में इसको सर्वपुरुष कहा, सर्वपुरुष, सर्वपुरुष कहो, सर्वब्रह्म कहो। तो ये इनका पिता है। रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 में स्पष्ट किया है कि काल रूपी ब्रह्म यानी इस काल से इसको सदाशिव भी कहा है और दुर्गा के संयोग से श्री विष्णु जी का जन्म हुआ और इसी प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे मेरा जन्म भी इन्हीं दोनों से हुआ, दुर्गा से और काल से। फिर शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के प्रथम अध्याय में नंदीकेश्वर बता रहे हैं एक बार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया, किस बात पर, इसी भ्रम में के ब्रह्मा जी कह रहे थे मैं तेरा पिता हूं विष्णु जी को, क्योंकि मैं सारे सृष्टि का पिता हूं, जनक हूं, और विष्णु जी कह रहे थे कि मैं तेरा बाप हूं क्यों तू आप मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो, नाभि कमल से। इसी बात पर इन दोनों का युद्ध हो गया। इनके युद्ध समाप्त कराने के लिए इनके पिता काल ने, सदाशिव रूपी ब्रह्म ने इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, पिलर। ये युद्ध करना बंद करके उस पिलर के ओर छोर को खोजने लगे। तब ये स्वयं आकर खड़ा हो गया शंकर भगवान की वेशभूषा में। ये ऐसे ही छलकपट करता, अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होता। इन्हीं तीनों, कभी ब्रह्मा जी के रूप में, कभी अपने पुत्र विष्णु जी के रूप में, कभी अपने पुत्र शिव जी के रूप में, ये कहीं प्रकट होकर और लीला कर जाता है। साधक भ्रम में पड़ जाता है कि ये ब्रह्मा सगुण जो देवता है या विष्णु जी जो सगुण देवता है, यही सब कुछ है। तो ये अभी तक बिजली गिरी रही, यही अज्ञान इन ऋषियों में समाया रहा। अब इससे सिद्ध हुआ कि जब इन दोनों का आपस में युद्ध हुआ, ये स्वयं आकर वहां खड़ा हो गया, तब इसने बताया कि पुत्रो, पहले तो तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, तुम ईश नहीं हो, तुम प्रभु नहीं हो, ये जो कुछ भी 21 ब्रह्मांड में है ये मेरा है, यहां का मैं मालिक हूं, और तुमने तपस्या करके मुझसे ये दो जॉब प्राप्त किए हैं, दो विभाग, रजोगुण यानी उत्पत्ति विभाग ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने सती थी, ये मैंने तुमको खुश होकर दी है तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर, और इसी प्रकार रुद्र और महेश को भी मैंने ही ये दो कृत दिए हैं। इसे सिद्ध हो गया बोलने वाला इन चारों से अलग है पांचवा। तो पुण्यात्माओं, अब सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनका पिता है ये काल रूपी ब्रह्म, और ये कभी किसी के सामने नहीं आता, और इनकी माता है दुर्गा। तो ये हमारे जो धर्म गुरु थे आज तक हमें ये बता नहीं सके, और हमारे सदग्रंथों में विद्वान कमाल की बात ये है जो हमारे सिलेबस में लिखा है, और हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे हैं कि ये बुक श्रोधार्य है और ये सिलेबस आपका, और मैं इसी से पढ़ा रहा हूँ, तो हमने उनको पढ़ा भी होगा तो हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे पास वो सत्य ज्ञान नहीं था जो गॉड गिवन है, क्योंकि सत परमात्मा ही दे सकता है और जीव सत असत का निर्णय नहीं कर सकता। और फिर देवी पुराण के अंदर वही सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 414 पृष्ठ पे व्यास जी
राइटर ऑफ द वेद्स, वेदास, राइटर ऑफ श्रीमद् भगवत गीता, राइटर ऑफ पुराणाज, इन सब का लेखक है वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी बता रहे हैं कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा जी की पूजा करते थे। खाक वेद के विद्वान थे जो दुर्गा की पूजा करते थे और ये मंदिर उन्होंने ही बनवाए हैं दुर्गा जी के। दुर्गा मीन माया के पुजारी थे वह, माया के पुजारी दुर्गा के। और उसी देवी पुराण के सातवें स्कंद में हिमालय राजा को ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान कराते हुए वो क्या बताती है कि हे राजन, मेरी भक्ति करेगा तो इतना ही लाभ होगा। अब मैं तुझे ब्रह्म के बारे में जानकारी देती हूँ और उस ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, उस ओम मंत्र का जाप कर ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रख, तेरा कल्याण हो जाएगा। और वो ब्रह्म लोक में रहता है, तू वहां चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब देवी तो कह रही है ब्रह्म की पूजा करो और हमारे ऋषि कह रहे हैं कि वेद के ब्राह्मण हमारे जो धर्म गुरु थे, सतयुग में ब्राह्मणों से ही चला हमारा धर्म गुरु, यही रहे इस पूरे विश्व के। और ये कह रहे हैं दुर्गा की पूजा करो, हर वेद के विद्वान थे, वेद में है कहीं दुर्गा के, एक अक्षर दिखा दो दुर्गा की पूजा का होता है। तो खाक विद्वान थे, वेद पढ़ने पर भेद ना जान ये बच्चे पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें और भूल गए सृजनहारा। ये सूक्ष्म वेद भगवान ने बताया, उस ज्ञान में लिखा जो सत्य ज्ञान है। फिर क्या बताया है कि दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो, और ब्रह्म क्या कह रहा है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। ये ऐसे ही छल करता है जैसे विष्णु पुराण में आपको बहुत बार दिखाया है। एक बार देवताओं का राक्षसों का युद्ध हो गया, राक्षस जीत गए, देवता हार गए। देवता ने जाके फिर कहीं एकांत स्थान पर छुप छाप कर भगवान की प्रार्थना की, ये काल विष्णु रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गया और इसने कहा कि मैंने जो तुम्हारी मन की बात है वह जान ली, आप जाओ और एक पुरिंजय नाम का अक्षत्रिय राजा है उसको युद्ध के लिए अपने पक्ष में खड़ा कर लो और देवताओं को साथ कर लो और राक्षसों को ललकारो, मैं उस पुरिंजय के शरीर में प्रवेश करूंगा और राक्षसों को मार दूंगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित विष्णु पुराण के 3 अध्याय में और 233 पृष्ठ पे है। फिर 242 पृष्ठ पे इसी अध्याय में फिर क्या लिखा है, एक बार गंधर्वों का और नाग कुल वाले व्यक्तियों का आपस में युद्ध हुआ तो गंधर्व जीत गए और ये नाग गोत्र वाले जो नाग कुल के थे वह पराजित हो गए। तो इन्होंने फिर भगवान की स्तुति की, फिर ये काल फिर प्रकट हो गया इनके सामने विष्णु रूप धारण करके। इसने कहा कि तुम जो मानधाता का पुत्र है पुरकुत्स, उस पुरकुत्स ने या तैयार करो युद्ध के लिए, अपने पक्ष में खड़ा कर लो, फिर मैं उसमें प्रवेश करूंगा और फिर गंधर्व ने मार दूंगा, नाश कर दूंगा। ऐसा ही कर दिया। तो इसने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में इसने क्या कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। और 9 में क्या कहा, 4 अध्याय के 9 श्लोक में, कि मेरे कर्म अलौकिक हैं, जन्म और कर्म। अब इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं, जैसे प्रकुत्स में प्रवेश करके राक्षस मार दिए, पुरिंजय में प्रवेश करके गंधर्व मार दिए, और जब महाभारत का युद्ध होने के लिए तैयार हो गया, आमने सामने सेना खड़ी होगी, और उससे पहले श्री कृष्ण मना कर रहा था भी युद्ध ना करो, बहुत जुल्म हो जाएगा, और यहाँ तक ये कह दिया था आखिर में कि तुम मेरे पास चलो, वहाँ रह लेना, युद्ध ना करो। तो पांडवों ने लास्ट में 5 गांव डिमांड कर दी थी कि दुर्योधन सारी पृथ्वी में से 5 गांव दे दे, हम अपना निर्वाह कर लेंगे। श्री कृष्ण की शिक्षा मानकर उन्होंने युद्ध करना उस समय भी नहीं चाहा था,
लेकिन विनाश काले विप्रता बुद्धि दुर्योधन की विपरीत बुद्धि हो रही थी, नहीं माना। श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कह दिया था कि एक तरफ मेरी सेना होगी और एक तरफ मैं अकेला होऊंगा, क्योंकि सब डिवाइड हो रहे थे आदि आदि नाश करने के लिए। कोई उसके पक्ष में, कोई पांडवों के पक्ष में, सेना राजा इकट्ठे हो रहे थे। काल ने तो करवाना था नाश, और श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध हो, क्योंकि स्वतो गुण भगवान हैं, विष्णु जी के अवतार हैं। इन्होंने यहाँ तक कहा था कि एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं खड़ा हूँ, मांग लो कौन सा किसने मांगना है, और सुन लो मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। अब पांडवों का रिश्तेदार था वो अर्जुन का साला, अब वो तब उनकी मजबूरी थी कृष्ण को मांगना। दुर्योधन ने सेना ले ली, कृष्ण जी अर्जुन और के पक्ष में खड़ा हो गया पांडवों के पक्ष में। तो वही श्री कृष्ण तीन बार मना करने गया था, युद्ध ना करो जुलम हो जाएगा, शांति दूत बनकर गया था। और फिर जब आमने सामने सेना खड़ी है और अर्जुन कह रहा कि मैं लड़ूंगा नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा भगवान, इससे अच्छा तो हम भिक्षा मांग कर खा लेंगे, पर ये जुलम हम नहीं कर सकते। उस समय श्री कृष्ण अगर अपने होश हवास में होता तो ये कह देता, भाई बहुत अच्छी सोची तुमने, अब तो कुछ नहीं बिगड़ा और चलो। लेकिन उसी समय काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी में, जैसे प्रकृत और पुरंजय में प्रवेश करके इसने नाश कराया था। जब अर्जुन तैयार हो लिया युद्ध करने के लिए, श्री कृष्ण से निकल के अर्जुन में प्रवेश कर गया। एक का मारा था 20 मरे थे, एक तीर मारा था 20 सामने का निकल गया था। उद्मस्त करवा दिया और पापक्रम लिखवा दिए सारे पांडवों के मस्तक में लिखवा दिए। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये स्पष्ट कर देता है कि मैं अव्यक्त रहता हूँ, मैं कभी किसी के सामने प्रकट अपने वास्तविक रूप में समक्ष नहीं आता, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। और ये जो सामने देख रहे हैं मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, क्यों कृष्ण में बोल रहा था, कृष्ण जी का स्पीकर यूज कर रहा था मुख। तो ये सभी जो मनुष्य सामने खड़े हैं ये मुझे मुझ अव्यक्तम माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुदा, ये बुद्धिहीन लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम यानी व्यक्ति रूप में श्री कृष्ण रूप में आया हुआ मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं, ये मेरा अटल और अनुतम अनुतम अवय सिद्धांत है। अनुतम माने घटिया, अवय माने अटल अविनाशी, ये सदा बना रहेगा। तो अनुतम क्यों है कि अब माता पिता या कोई पिता अपने पुत्रों से गुप्त रहता है, उसमें कोई दोष है, वैसे रहा करे दूर। जैसे आम आदमी का अकरम भाई कोई गलती हो जाए तो भाई मैं तो मुंह दिखाने जोगा नहीं रहा, तो ये मुंह दिखाने जोगा नहीं रह रहा, इसने ऐसी गलती कर रखी है। और ये 1,00,000 मानव श्री धारियों को खाता हमें और पालता है, ब्रह्मा जी के द्वारा पलवाता है, विष्णु जी हमें यहाँ रोके रखता है, और शिव जी काट के 1,00,000 को वहाँ भेज देता, कारण कुछ भी बनाता है। ये तीनों भी दुखी है इसके इस कृत्य से, लेकिन ये इसके विवश है। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। तो ये क्या कहता है जो गीता ज्ञान दे रहा है, गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन। और अर्जुन पूछ रहा कि हे महानुभाव आप कौन हो? कृष्ण जी तो अर्जुन के साले थे और साले को नहीं पहचान रहा, आप कौन हो, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। तब इसने कहा कि मैं काल हूँ और अभी परिवर्त हुआ हूँ, अभी आया हूँ मैं, और तू ना लड़ेगा तो भी मार डालूंगा इन सबको, ये सब मैंने मारने हैं। तो पुण्य आत्माओं श्रीमद भगवद गीता का ज्ञान ये काल भगवान दे रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और अब जो प्रश्न चल रहा है कि वेद व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण बड़े वेदों के विद्वान पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे,
दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो। अब ब्रह्म क्या कह रहा है? ब्रह्म कह रहा है कि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में प्रथम तो स्पष्ट कर देता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। सिद्ध हो गया कि ये तो नाशवान है। अब ये कहता है कि मेरी भक्ति करोगे तो मुझे प्राप्त होगे। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करो तो मुझे प्राप्त होगा। अपना मंत्र बता रहा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, इति बस यही, और अंतिम सांस तक इसका स्मरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से परम गति कौन सी प्राप्त होती है? जैसे आपको बताया था श्री देवी पुराण में 7वें स्कंद में और 652 पृष्ठ पे हिमालय को उपदेश देते हुए दुर्गा जी कह रही है, क्या कह रही है कि ओम का जाप करो, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रखो, ब्रह्म लोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। सीधी सी बात है, ब्रह्म ओम ब्रह्म का जाप है और ओम से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। तो इति सिद्धम के ब्रह्म के उपासक भी, क्योंकि वो भी नाशवान है तो नाशवान के उपासक भी नाशवान ही रहेंगे, अविनाशी नहीं हो सकते, उनका पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता, उनका वो मोक्ष नहीं हो सकता। कौन सा? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसके विषय में ऑप्शन छोड़ दिया है 4 अध्याय के 32 और 34 श्लोक में कि वो तत्व ज्ञान वो परमात्मा ही स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो यथार्थ ज्ञान है, वो सत्य ज्ञान है, वो सत्संग है। और उसमें विस्तार के साथ आध्यात्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से दी गई है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करके विनम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इति सिद्धम के गीता जी के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो तत्व ज्ञान, वो इससे हटकर है। और इससे यह भी सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, और केवल उसकी ही शरण में रह उसी की भक्ति कर। तो गीता ज्ञानदाता ने फाइनल कर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति कर, वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि जो मैंने ज्ञान दिया है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर लो, और जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता है तो वो व्यक्ति जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील है, जरा माने वृद्धावस्था के दुख और मरण माने मृत्यु के कष्ट से जो परिचित हो चुके हैं, वो उन जो इससे छूटने के लिए ही भक्ति कर रहे हैं, यत्नशील हैं, वो तत्परम को और सारे दत्तम को और सभी कर्मों को जान चुके हैं, वो उससे परिचित हैं। जब यहाँ के पूरे दत्तम से हम परिचित हुए और यहाँ के जो इन कर्मों से हम परिचित हुए, कितने भयंकर दुख हम भोग रहे हैं, तो आज हम क्या चाह रहे हैं? हम केवल जरा और मरण से छूटना उद्देश्य रखते हैं। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जब ये कहा कि तत्परम
को और सारे धातुओं को और सब कर्मों से वो परिचित है व्यक्ति, जो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए भक्ति करते हैं, संसार की किसी अन्य वस्तु की डिमांड नहीं रखते, तो वो तत्प्रभु से परिचित हैं। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।